हेलो फ्रेंड, पॉपुलर टीवी सीरियल अनुपमा के आगे आने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि अनुज के मुंबई से निकलते ही छोटी की एक बात ने उड़ा दिए अनुज के होश। छोटी अनु करने वाली है एक बड़ा खुलासा। जी हाँ दोस्तों, सुपरहिट टीवी सीरियल अनुपमा के आगे आने वाले एपिसोड में अब आप देखने वाले हैं ये धमाकेदार ट्विस्ट, जहां अनुज कपाड़िया जो है वो फाइनली तैयार हो गए हैं वापस अहमदाबाद लौटने के लिए, लेकिन विलन माया के तो हाथ पैर फूल रहे हैं कि कहीं उसकी सारी मेहनत पर पानी न फिर जाए, अनुज किसी भी हालत में अहमदाबाद न जाए क्योंकि वहाँ अनुपमा है और बिजनेस मीटिंग में वो दोनों ही आएंगे और एक दूसरे से मिलेंगे भी, क्योंकि अंकुश ने उन दोनों को बिजनेस मीटिंग के लिए बुलाया है। अब शो के आगे आने वाले अपकमिंग ट्रैक में अब आप देखेंगे कि विलन माया और बरखा के साथ मिलकर कैसे उन दोनों के खिलाफ एक षड्यंत्र रचने वाली हैं ताकि वो दोनों एक दूसरे से ना मिल सके और ना एक दूसरे से बात कर सके, क्योंकि माया इस बात को बहुत अच्छे से जानती है कि अगर अनुज अहमदाबाद गया तो वो अनुपमा से तो ज़रूर मिलेगा और कहीं ना कहीं वो फिर से एक हो जाएंगे और उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। तो वहीं इसी बीच आप सबको ये देखने को मिलेगा, कॉल आते ही अनुज किसी भी बात को नहीं सोचेगा और सीधा निकल लेगा अहमदाबाद के लिए, क्योंकि उसको पता है उसका बिजनेस भी है अहमदाबाद में जो उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है और उसका वहाँ घर भी है, तो फाइनली उसके लिए एक ना एक दिन तो वापस लौटना भी होगा। तो ऐसे में जब उसके पास कॉल आती है तो अनुज ने फाइनली ये डिसाइड कर ही लिया है कि वो अहमदाबाद जाएगा। अब शो में आपको दिखाया जाएगा कि जैसे ही अनुज अहमदाबाद पहुंचेगा उसके पास आएगी छोटी की कॉल, तो वहीं छोटी का एक खुलासा अनुज के होश उड़ा देगा। लेकिन ऐसे में अनुज के सामने उसका बिजनेस भी इम्पोर्टेंट है, उसने उन सबको भी हैंडल करना है, लेकिन छोटी अनु के इस खुलासे के बाद अनुज को इस बात का भी एहसास हो जाएगा उसके अपने ही हैं जो उसके दुश्मन हैं, जो उसे खुश नहीं देखना चाहते हैं और उसकी प्रॉपर्टी के पीछे पड़े हैं और साजिशों पर साजिश रच रहे हैं और इसमें उनकी मदद माया भी कर रही है। तो दोस्तों, क्या लगता है अब आपको कि अनुज जो है वो छोटी की बात को समझकर वापस लौटेगा मुंबई या रहेगा अहमदाबाद में ही? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएँ और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।